दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। ये दो लाइन का एक एक शब्द उस इंसान के लिए सही है जिसे हम मोहम्मद रफ़ी साहब के रूप में जानते हैं। बुलंद आवाज का वो सितारा एक ही था और एक ही रहेगा। आइए दोस्तों, मैं जय छनियारा आज उस महान फनकार के कुछ अनसुने किस्से आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ। उनके बचपन के दिनों में उनकी गांव की गलियों में एक फ़कीर आया करता था और गाना गाया करता था। रफ़ी साहब उस फ़कीर के पीछे पीछे गांव की सरहद तक जाते थे और लौट कर आकर सबको वही गाना सुनाया करते थे। ये कोई नहीं जानता था कि उस फ़कीर का गाना एक दिन रफ़ी साहब को गायकी का खुदा बना देने वाला था। काम के सिलसिले में उनके वालिद और रफ़ी साहब पाकिस्तान के लाहौर में शिफ्ट हो गए। उनके वालिद गाने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन रफ़ी साहब के बड़े भाई हमीद जी ने रफ़ी साहब के इस हुनर को पहचाना और 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस किया। उस प्रोग्राम में उस वक्त के बहुत बड़े गायक केएल साइगल साहब आने वाले थे। अचानक बिजली चली गई तो रफ़ी साहब के बड़े भाई ने ऑर्गेनाइज़र से कहा कि ये मेरा छोटा भाई है और बहुत ही अच्छा गाता है, बिजली आने तक ये स्टेज संभाल लेगा। रफ़ी साहब स्टेज पर गए और बिना माइक के उन्होंने इतना खूबसूरत गाया कि लोग उनकी आवाज़ के दीवाने हो गए। जब ये बात केएल साइगल साहब को पता चली तो उन्होंने रफ़ी साहब को दिल से और हृदय से आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा, एक दिन तुम बहुत बड़े गायक बनोगे। इस अच्छे अनुभव के बाद रफ़ी साहब के बड़े भाई ने उनको मुंबई भेजा, जहां पर उनकी मुलाकात श्याम सुंदर जी से हुई और उन्होंने अपनी पहली फिल्म गुल बलोच में रफ़ी साहब को पहला गाना गवाया। फिर रफ़ी साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1948 में उनका एक गाना आया जिसके बोल थे, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। ये गाना अपने दौर में इतना हिट हुआ कि तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें अपने घर पर बुलाया, ये गाना गवाया और सम्मानित भी किया। और दोस्तों, शायद आपको इस बात का पता नहीं होगा कि रफ़ी साहब ने चीन के खिलाफ अपने गाने के माध्यम से जंग भी लड़ी थी। जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तब रफ़ी साहब 14,000 फीट की ऊंचाई पर सांगला गए थे और देशभक्ति के गाने गाकर हमारे भारतीय वीर सैनिकों का हौसला बढ़ाया था। रफ़ी साहब ने अपने करियर में 26,000 से भी ज़्यादा गाने गाए, जिसमें हिंदी के अलावा 10 और भाषाएं भी शामिल थी। रफ़ी साहब की एक खासियत थी कि उनकी आवाज़ हर एक्टर के लिए फिट हो जाती थी। दिलीप कुमार से लेकर देवानंद और शम्मी कपूर से लेकर राजेंद्र कुमार तक जब वो पर्दे पर गा रहे हो तो ऐसा ही लगता था कि रफ़ी साहब नहीं, वो एक्टर खुद ही गा रहा है। और शायद आपको इस बात का भी पता नहीं होगा कि दूसरे लेजेंड सिंगर किशोर कुमार के लिए भी रफ़ी साहब ने कुल 11 गाने गाए थे। अपने दौर में उन्होंने सभी लेजेंड संगीतकार जैसे शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रवि, ओपी नैयर, एचडी बर्मन, इन सब के साथ काम किया और सबसे ज़्यादा गाने उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए गाए थे। कुल संख्या 369 थी, जिसमें से 186 गाने सोलो थे। ऐसा कहा जाता है कि रफ़ी साहब ने अपने गाने के लिए कभी सामने से पैसे नहीं मांगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जब फिल्म आई पारसमणि, वो गाना था वो जब याद आए बहुत याद आए, जब इस गाने की रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने रफ़ी साहब के हाथ में फीस के तौर पर 500 रुपये रखे। रफ़ी साहब ने वो पैसा नहीं लिया बल्कि अपनी जेब से खुद 500-500 रुपये निकाल कर दोनों को दिए और ये कहा कि ये पैसा तुम संगीत की उन्नति के लिए लगा देना, मेरी मेहनत के तौर पर सिर्फ मैं ये सेकंड का 1 रुपया रख लेता हूँ। फिल्म नीलकमल के एक गाने बाबुल की दुआएं लेती जाके रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब बार बार रो पड़ते थे। तब संगीतकार रवि जी ने उनको कहा, क्या बात है रफ़ी साहब, आज आप भावुक क्यों हो रहे हैं? तब रफ़ी साहब ने रवि जी को बताया कि कल ही मेरी बेटी की सगाई हुई है, कुछ ही दिनों में मेरी बेटी ससुराल चली जाएगी। एक बाप के दर्द को इस गाने में रफ़ी साहब ने हूबहू पेश किया और इस गाने के लिए रफ़ी साहब को नेशनल अवार्ड भी मिला। रफ़ी साहब ने अपनी करियर में 6 फिल्म फेयर, 1 नेशनल अवार्ड, सिंगर ऑफ द मिलेनियम अवार्ड और भारत सरकार ने उनको पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा है।
31 जुलाई 1980 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस तारीख के ठीक दो दिन पहले उन्होंने अपनी करियर का आखिरी गाना संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ गाया। फिल्म का नाम था आसपास और गाने के बोल थे, तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त। 31 जुलाई को मुंबई में बहुत तेज बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी रो रहा है। रफ़ी साहब की अंतिम यात्रा में 10,000 से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। इतनी ज़्यादा भीड़ शायद किसी भी कलाकार को नसीब ना हुई हो। रफ़ी साहब की अंतिम यात्रा इतनी बड़ी थी कि कई फिल्मों में उस सीन को आजमाया गया था। उनके गुजरने के कुछ महीने बाद कश्मीर से एक बुज़ुर्ग दादाजी उनके घर पर आए और उनके बेटे से ये कहा कि मुझे रफ़ी साहब से मिलना है। उनके बेटे ने ये सोचा कि ये बुज़ुर्ग आदमी है, मैं इसको कैसे कहूँ कि रफ़ी साहब अब इस दुनिया में नहीं है। तब उनके बेटे ने कहा कि रफ़ी साहब इस समय घर पर नहीं है, वो बाहर गए हैं। उस बुज़ुर्ग दादाजी ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे रफ़ी साहब से मिलना ही है। बहुत सारी जद्दोजहद के बाद आखिरकार उनके बेटे ने कह ही दिया कि जिस रफ़ी साहब से आप मिलने की बात कर रहे हैं वो तो खुदा के पास चले गए। तब वो दादाजी ज़मीन पर अपना सर पटक कर रोने लगे। तब उनके बेटे ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं। तब बुज़ुर्ग दादाजी ने कहा कि रफ़ी साहब मेरे घर का खर्च चलाने के लिए हर महीने मुझे पैसे भेजा करते थे, अब मुझे समझ में आया कि वो पैसे क्यों बंद हो गए। शराफत और सादगी की मिसाल ऐसी कहीं नहीं देखी जा सकती। न फनकार तुझे साथ तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, गायकी के खुदा और इंसान के रूप में आए हुए इस फरिश्ते को जय छनियारा का सलाम।